मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। हमने जो है आपको प्रथम अध्याय जो हम लोग बनाए थे, फर्स्ट चैप्टर, वो था आपका सिंपल इंटरेस्ट। और हमने जैसा कि आपको मैसेज भी किया था कि आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI पढ़ेंगे। देखिए फार्मूला बहुत सारा था तो हमने पहले एक बार लिख दिया, सिर्फ फार्मूला, जनरल फार्मूला आप देख लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, आप साधारण ब्याज में भी पढ़े थे कि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप CI कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी सब लोग समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या बोल सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन घटाओ चक्रवृद्धि मूलधन, या मूलधन तो एक ही होता है, चक्रवृद्धि हो या जो भी हो। चक्रवृद्धि ब्याज को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P, सब लिखा हुआ है कौन क्या है, ठीक है। तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर N माइनस 1, जहां P आपका मूलधन है, R आपका रेट यानी दर है, और N आपका क्या है, समय। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट निकालेंगे ना तो यहाँ पे माइनस 1 करने के कारण कैलकुलेशन काफी लॉन्ग चला जाएगा। तो हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग मिश्रधन निकाल देते हैं, ए अमाउंट, इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन बोला जाएगा, चूंकि यहाँ पे ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन है, यहाँ पे तो माइनस 1 का लफड़ा है नहीं, तो यहाँ पर यह आसानी से निकल जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन यहाँ निकल ही जाएगा, और मूलधन ऑलरेडी दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट ब्याज निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे या नहीं के बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ क्लियर किया गया था, ए यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, जिसका अर्थ होता है मिश्रधन या देय धन भी होता है। CI, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, P से प्रिंसिपल जिसको आप मूलधन भी कहते हैं या उधार धन भी कहा जाता है इसको, उसके बाद R रेट और N समय, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट्स था, इसलिए इसको एक साथ लिखे। उसके बाद जरा पार्ट टू के बेसिक पॉइंट्स में आएंगे, तो जब समय 3 वर्ष 4 वर्ष दिया रहता है, N बराबर आप 3 बैठा देते हैं, 4 बैठा देंगे या 5 बैठा देंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जब समय परिमेय के रूप में हो, परिमेय के रूप में रहेगा तो आप कैसे देंगे, यानी वही पूर्णांक के रूप में, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि 4 पूर्णांक 2/3 वर्ष है, अब आप कैसे निकालेंगे मिश्रधन। आप जनरली इस फॉर्मूला को जो है ना, अभी रिमूव समझे है ना, ताकि आपके दिमाग में जगह नहीं बने। आपको CI निकालना हो तो आप सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। हाँ देखिए, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, और मूलधन तो ऑलरेडी दिया रहता ही है, और घटा देंगे सीधे सीधे ब्याज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि अब समय यहाँ पे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष से तो हमने दे दिया, अब समय आ जाएगा 4 पूर्णांक 2/3, तो क्या करेंगे। तो देखिए जैसे ही 4 पूर्णांक 2/3 होगा, तो देखिए फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100, यहां तक तो हुआ। एन के जगह सबसे पहले 4 दे देंगे, जो पूर्ण रूप से रहेगा, पूर्णांक कंप्लीट इंटीजर्स जो रहेगा उसको दे देंगे, और फिर 1 प्लस आर बटे 100 करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा समझिएगा ये पॉइंट। देखिए ध्यान से, पहले तो 4 का पूरा पूरा कर लिए, चलिए ठीक है, अब 2/3 का था, पहले 1 प्लस आर बटे 100 तो करेंगे, और ये जो 2/3 था यानी जो रेस्ट ऑफ टाइम बच रहा था वो आर के साथ मल्टीप्लाई में यहां पे चला जाएगा। अगर मान लीजिए इसी जगह पे 6 पूर्णांक 2/3 होता तो 6 यहां चला जाता, 2/3 आर के साथ चला जाता, और इस तरीके से फिर मिश्रधन निकाल लेंगे, और फिर अगर ब्याज निकालना कहेगा तो मूलधन घटाकर ब्याज निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। अब अगला पॉइंट है कि जब ब्याज छमाही संयोजित हो, मतलब अभी तक तो ब्याज वार्षिक होता था, अब ब्याज छमाही हो तो फर्क पड़ता है सर समय और दर में। अच्छा बताइए, ब्याज छमाही हो या तिमाही हो, उसको क्या करना है हमको, हमारा क्या काम है कि हम उसको डबल करेंगे, ठीक है। मतलब छमाही है, हमको लाना कितना होता है वार्षिक यानी 12, तो बताइए छमाही को 12 लाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली समय को दुगना किया जाएगा, तो जब समय को दुगना करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट दर को आधा किया जाएगा, क्लियर। ठीक उसी तरीके से जब ब्याज तिमाही दिया रहेगा, तो जब ब्याज तिमाही की चर्चा होती है तो तिमाही का मतलब 3 महीना, और उसको 12 लाने के लिए क्या करते हैं आप, 4 से गुना करते हैं, तो ऑब्वियसली जब समय यहां पे देखिए 4 से गुना हो रहा है तो फिर दर क्या होगा, 4 से भाग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह हमारा बेसिक्स पॉइंट था समझने के लिए। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं सर कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे,
आइए टाइप वन, पांच छह टाइप है इसमें, कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हो जाए, थ्योरी खींचे नहीं ज्यादा। और 30 क्वेश्चंस का मात्र टॉपिक है सर आपका, 30 क्वेश्चन का, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी पर है, डायरेक्ट जिसको बोला जाए। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, टाइप वन। टाइप वन जो है आपका, थोड़ा सा गंदा हो गया, टाइप वन कहता है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर ज्ञात हो। देखते जाइएगा कैसे कैसे है। कहता क्या है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर ज्ञात रहेगा तो आप क्या करेंगे। अब देखिए सवाल यह है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आप समझ रहे हैं ना, चूंकि संकेत में हम लोग ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी क्या, सीआई। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी क्या, एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर ज्ञात हो, 2 वर्ष का अंतर ज्ञात हो, या 2 वर्ष का अंतर निकालना हो, कोई जरूरी नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, अंतर का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, आर मतलब दर, आप अच्छे से जान रहे हैं चूंकि पिछले टॉपिक में भी चर्चा कर चुके। अब जैसे देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, सब पे तो संभव नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा लंबा भी चला जाता है टॉपिक। अब जैसे देखिए कहता है कि 1000 रुपया की धनराशि पर, यानी मूलधन जो है कितना दिया गया, 1000, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, दर यानी आर, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, टी बराबर या एन बराबर भी बोल सकते हैं, 2 वर्ष का अंतर लीजिए, अंतर का फॉर्मूला सामने सामने है, पी पी इंटू आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपटे 100 का स्क्वायर। अब देखिए 00 00 कैंसिल, 00 00 कैंसिल, 5 25 25 10 आंसर क्या हो गया, 2.5। यानी 1000 रुपया का 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना रुपया है, 2.5 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं सर, एग्जाम्पल दे दिए तो थोड़ा सा सही हो जाता आपका। अब टाइप टू की ओर आते हैं, टाइप टू में कहता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात हो। अभी तक जो हम पढ़े उसमें 2 वर्ष का अंतर ज्ञात था, अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 3 वर्ष का अंतर ज्ञात होगा। कहता है टाइप टू, जब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर, तो 3 वर्ष का अंतर कैसे निकलेगा, अंतर बराबर फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, पी आर स्क्वायर इंटू 300+r अब बटे 100 का क्यूब। उस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला की बात किया जाए तो वहां पे भी पी आर स्क्वायर था, और चूंकि 2 वर्ष का था तो वहां 100 का स्क्वायर था, यहां 3 वर्ष का है तो 100 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और यहां पे नया चीज याद करने को मिला 300+r। आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसका भी एग्जाम्पल हम लोग दे ही, ठीक है। तो 3 वर्ष का जब अंतर ज्ञात रहेगा, अंतर ज्ञात करना होगा तो पी का मान यानी मूलधन दिया रहेगा और दर दिया रहेगा, आप उसका मान वहां पे पुट अप करेंगे, उसके बाद आप जो है 3 वर्ष का भी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन 3 वर्ष में है आपकी किताब में दिया हुआ, आप देखिएगा कल बनाएंगे तो हम लोग मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं सर टाइप 3। टाइप 3 कहता है, चूंकि क्वेश्चन कम है ना तो सब हम बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप बनाएंगे क्या, 30 तो क्वेश्चन नहीं है सर। टाइप 3 की बात करते हैं, अभी तक हम लोग देखे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना था या 3 वर्ष का निकालना था। अब टाइप क्या है 3, कि जब समान समय के लिए, समान समय चाहे 2 वर्ष रहे, 4 वर्ष रहे, 8 वर्ष रहे, समान समय,
जब समान समय का नहीं बोला जाए के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो। ठीक है, जब दो वर्ष के लिए, एग्जाम्पल भी है आपके किताब में, हम लोग दे देंगे, जब दो वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, दो वर्ष नहीं सॉरी समान समय के लिए कुछ भी हो, तो दर निकालने का यहां पे क्वेश्चन आता है। तो दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दर बराबर होता है अंतर, किसका अंतर सर, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, और किसका अंतर होगा ना, अंतर बटे एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज अगुने 100। कब, जब समान समय के लिए, समय कोई फिक्स नहीं है, समान समय चार वर्ष भी हो सकता है, आठ वर्ष भी हो सकता है, दस वर्ष भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आइए, जो एग्जाम्पल जरूरत के काबिल होगा वो हम लोग दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल कहता है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है। लीजिए समय दे दिया दो वर्ष, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समय का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए आप अलग बात है। समय कितना दे दिया दो वर्ष, दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 160 और वो 170, साधारण ब्याज 160 और ये 170। तो कहता है दर निकालने के लिए, लीजिए दर बराबर, अभी आप क्या पढ़े थे, दोनों ब्याज का अंतर, अंतर कितना हो गया जी 10 रुपया बटे एक वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए दो यहां दो वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया दिया गया था, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80 रुपया और गुने 100, तो 20 से चार बार में, 20 से पांच बार में, 2 से 2 और 2 से 5, 25 बटे 2 यानी 12.5%। ठीक है चलिए आगे बढ़े, बढ़ा जाए, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो याद कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में पढ़े थे कि कोई धनराशि N1 समय में इतनी हो जाती है, N1 समय में A1 हो जाता है, N2 समय में A2 हो जाता है, याद कीजिए। तो वो ऐसा ही टाइप चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, ठीक है, यानी जब कोई धनराशि टाइप 4, टाइम कितना हुआ 12, टाइप 4 की बात किया जाए कि टाइप 4 क्या कहता है कि जब कोई राशि T1 वर्ष में, कोई राशि है वहां भी था ये क्वेश्चन, T1 की जगह N1 मान लेते हैं, तो मानने का है, समय को T भी मान सकते हैं, तो T1 वर्ष में वो क्या हो जाता है A1 हो जाता है, और T2 वर्ष में वो A2 हो जाता है। याद कीजिए A1 क्या होता है, ये मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, ठीक है, तो T1 वर्ष में A1 हो जाता है और T2 वर्ष में A2 हो जाता है। तो क्वेश्चन है, तो यहां पे दो चीज आपसे निकालने के लिए कहता है, एक आपके लिए दर पूछता है और एक आपके लिए मूलधन पूछता है, कि दर निकालिए और एक में मूलधन निकालिए। तो देखिए दर की बात है तो मिश्र धन का अंतर आप इसको कह सकते हैं A2 माइनस A1, मिश्र धन का अंतर गुने 100 बटे A1, यानी A1 समझ रहे हैं ना पहला वाला मिश्र धन, और गुने समय का अंतर। देखिए मिश्र धन का अंतर गुने 100 और बटे A1 यानी प्रारंभिक मिश्र धन और गुने समय का अंतर, हम एग्जाम्पल भी दे देंगे इस पे। और मूलधन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा A1 इंटू A2 बटे A1 पर पावर N, यानी यहां के अनुसार T माने थे तो T मान लेंगे, क्योंकि T यहां दिए ना समय, ठीक है, वो N भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन। T1 मान लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखिए यहां पर भी A1 बड़ा, तो यानी प्रथम समय लिया जाता है और यहां पे भी प्रथम दर लिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए ना क्वेश्चन एक दे देते हैं, कहता क्या, यदि कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्ष में 2750 रुपया हो जाता है। देखिए क्या होता है, दो वर्ष में कितना हो जाता है 2750। देखिए दो वर्ष में 2750, फिर कितना वर्ष में, और तीन वर्ष में 3125 हो जाता है। तीन वर्ष में 3125 हो जाता है। देखते जाइएगा कि तीन वर्ष में 3125 हो जाता है। तो दो वर्ष में इतना, तीन वर्ष में देखिए T1 A1 T2 A2। तो दर कैसे निकालिएगा, हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे भाई, आप कर लोगे। तो दर बराबर मिश्रधन का अंतर गुने 100 बटे समय का अंतर कितना 3 2 1 और गुने प्रारंभिक वर्ष का मिश्रधन यानी A1 कितना था 2750। ऐसे आप निकाल लेंगे क्या दर। मूलधन की बात है तो मूलधन बराबर क्या होगा, A1 देख लीजिए क्या है 2750 इंटू, अच्छा A2 बटे A1 लिखा गया था, नहीं सॉरी गलती से A1 बटे A2 है। हाँ। तो A1 बटे A2 पर पावर T1 मतलब पहला वाला समय, ठीक है। इस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मान इस तरीके से ऐसा टाइप याद कीजिए, साधारण ब्याज में भी आया था तो वहां तरीका अलग था, जबकि यहां तरीका अलग है निकालने का। एकदम ध्यान रखेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े टाइप 5 पर। देखिए टाइप 5 जो है हमारा, कहता यदि किसी धनराशि पर यानी मान लीजिए P जिसको आप बोलते हैं मूलधन पर R प्रतिशत वार्षिक दर से, साधारण ब्याज उसका ज्ञात हो, SI ज्ञात हो, लेकिन कितने वर्ष का, ही ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब दो वर्ष का होगा। तो आप यहां पे दो चीज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए मूलधन दर दो वर्ष का सब कुछ दिया, सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई जरूरत नहीं चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 1 प्लस R, अच्छा स्मॉल R दिए थे तो स्मॉल R ले लीजिए, अब बटे 200 डायरेक्ट। और अगर इसी क्वेश्चन में आगे जाकर पूछ दिया इस पर, ये क्वेश्चन है आप देखिएगा जब बनाएंगे तो मिलेगा, और उसके बाद अगर इसी में पूछ दिया कि नहीं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर पूछ लिया कि अंतर दोनों का बताइए, तो अंतर बराबर होगा SI यानी साधारण ब्याज गुने R बटे 200। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इससे बेहतर क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल तो देखिएगा ना। आप कह रहे वहां से एग्जाम्पल नहीं देंगे इसलिए कि ताकि आप उसमें कुछ बनाइए, उसी से दे देंगे तो आप क्या बनाइएगा। कहता यदि किसी धनराशि पर 5% दर से, धनराशि तो पता नहीं है जरूरत भी नहीं पड़ता ना, 5% दर से R = 5%, 5% दर से कहां चला गया, हाँ सर 5% दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज दिखाया गया, टी बराबर दो वर्ष, साधारण ब्याज कितना दिया गया, साधारण ब्याज कहता है 100 रुपया हो, ठीक है। तो कहता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा फॉर्मूला, सीधे साधारण ब्याज गुने 1 प्लस R बटे 200 आप सॉल्व कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन आप करेंगे, सॉल्व हम क्या करेंगे, यहां पे सर YouTube पर आप 33 मिनट ज्यादा का वीडियो लगातार में बना नहीं सकते, फिर वीडियो कट होकर दूसरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए कितना टाइम हुआ, 20 अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपसे जो किस्त का क्वेश्चन वहां होता था वही किस्त का क्वेश्चन यहां पर भी है। अब देखिए है कि यहां पे कि जैसे दिया गया आपका
तो किस्त का क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइप फाइव होगा शायद, किस्त पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इसके बाद एक टाइप और है ना, किस्त पर आधारित प्रश्न। इसमें फॉर्मूला होता है उधार धन बराबर, इसको आप मूलधन भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, किस्त बटे 1+R/100 एक साल के लिए, अगर दो साल का होगा तो एक बार और बढ़ेगा, किस्त बटे 1+R/100 अगर तीन साल का होगा तो ज्यादा से ज्यादा होगा। और इस पे तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, ये तीन क्वेश्चन है इसमें, और किस्त बटे 1+R/100 पे पावर 3, ठीक है। तो उधार धन या मूलधन जो भी कुछ दिया रहेगा, आप कहते हैं तो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं सर हम लोग, आइए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 सामने दिखा दें तो थोड़ा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 1025 रुपया का ऋण वही उधार 1025, तो लीजिए सामने सामने लिखते 1025 बराबर, कहता है कि दो किस्तों में चुकाना, यानी यहां तक जाएगा, ठीक है, दो किस्तों में चुकाना है और 5% दर है। तो पहला किस्त ऐसे लिख सकते हैं, किस्त या एक्स भी मान लेते, तो 1+5/100 एक बार जोड़, किस्त बटे 1+5/100 दो बार सॉल्व कर दीजिए। किस्त दिक्कत हो रहा है तो लिखने में तो आप एक समान लीजिए, कहीं कहीं तीन साल का होगा तो अगर ये तीन साल का तो आगे होता 1+5/100 पावर 3, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग लास्ट टाइप की ओर आते हैं। जैसे आप वहां पढ़ते थे साधारण ब्याज में कि कोई धन राशि कितने समय में कितना गुना हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में आता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो क्वेश्चन काफी आसान होता है। साधारण ब्याज में तो एक फॉर्मूला था, इसमें तो आप 2 मिनट ध्यान से देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 6 लास्ट टाइप आपका, कल बना लेंगे, कल सॉल्यूशन हम लोग डाल देंगे इसका। 30-31 क्वेश्चन है, 31 में से कम 20 डायरेक्ट को आपका जो टॉपिक है उस पे 10 के लिए आप मेहनत करेंगे, उसके बाद हम है बिल्कुल। बहुत सारे लड़कियां तो बहुत एग्रेसिव है इसको लेकर, लड़के बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई को हल्के में ना ले सर, कोरोना है ये लंबा चलेगा, आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग भी मेहनत कीजिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, धन राशि के n गुणांक पर आधारित प्रश्न, ये लास्ट टाइप था आपका। फिर इसका टेलीग्राम पे क्यूज हो जाएगा, इसलिए इस बार सोच रहे हैं कि नहीं क्यूज, जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ उसका क्यूज होगा, जिसका नंबर कम आएगा सर हम उससे फाइन लेंगे तभी फिर दोबारा एंट्री करवाएंगे क्यूज में। इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में, क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्ष में, देखिए ध्यान से, 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है, तो क्वेश्चन है कितने वर्षों में, व्हाट, कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे साधारण ब्याज का परेशानी नहीं है सर कि गुना वाला एक घटाकर करेंगे। अब जरा देखिए ये इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए 2 से 8 आने में 2 पर पावर कितना किया गया सर, 2 पर पावर क्या किया गया, 3। तो जितना इधर पावर करेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे, 2 से 8 लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 पर पावर 3 किया, तो यहां पर भी सर पावर 3 नहीं करेंगे, सीधे सीधे गुना 3 करेंगे, यानी 5 × 3 = 15 वर्ष। आप एक एग्जांपल और चाहते हैं, आइए देखते हैं सर कहीं पे दिया रहेगा तो वो भी बता दिया जाए आपको, क्योंकि अब तुरंत तो मिलता नहीं है ना कि कितना गुना हो जाएगा। आइए एक है एग्जांपल आपके आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 21 कहता कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, 15 वर्ष में, कभी कभी इधर से इधर का देगा नहीं तो इधर से इधर का दे देगा क्वेश्चन, 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो
कितने वर्ष में आठ गुना हो जाएगा, लिख लीजिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, कितने वर्ष में आठ गुना हो जाएगा। फिर देखिए दो से आठ लाने के लिए पावर तीन किया गया, तो जो आप पावर करेंगे उधर ये दो पर पावर तीन हुआ तभी तो आठ आया, तो पावर क्या किए तीन, उसी तीन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका 45 वर्ष। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। फिर एक बार हम आपको बोलेंगे कि आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए जो 6-7 टाइप दिया गया है, और टाइप के बाद आप सवालों को आज बना लेंगे, और जिन सवालों का दिक्कत होगा आपका स्पेशल ग्रुप बना दिया गया है, वैसे लोग जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जो फी पेमेंट करेंगे, चूंकि लोग फ्री के कारण भी उस चीज का वैल्यूएशन नहीं समझते, तो हमने एक अलग ही ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम का भी, और एक अलग ही ग्रुप बना दिया है जो लोग फी पेमेंट करने की इच्छुक है या जो पढ़ने की इच्छुक है, तो उनका स्पेशल ग्रुप बनाया गया। वो अपने ही ग्रुप में जाकर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन का वो वहां पे क्वेश्चन नंबर दे दे, कल हम चक्रवृद्धि ब्याज का सॉल्यूशन वीडियो बना लेंगे और कल इस चैप्टर को भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।